गीर सोमनाथ जिला कोरिनार तालुका आलिंदर गांव श्रमजीवी परिवार अढ़ी मार्च बाड़क ने बीमारी इलाज मे उभी थे नाणकीय जरूरियात पगले सामाजिक संस्था इम्पेक्ट गुरु फाउंडेशन सभ्य वापी और दमण में फंड एकत्र करने गीर सोमनाथ जिला श्रमजीवी अशोक भाई वाढ़े अढ़ी मास पुत्र विवान ने स्पाइनल मस्क्यूलर एस्ट्रोफाई नाम की करोड़रज्जू की जटिल बीमारी है जेना सारवार माटे 16 करोड़ नो खर्च है। आ बाळकने इलाज माटे सामाजिक संस्थाओं द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में फंड उघरावामां आवी रह्यो छे जे अंतर्गत इम्पेक्ट गुरु फाउंडेशन सभ्य दमण में पण मासूम बाळकने इलाज माटे लोको पासेथी दान एकत्रित कर्युं हतुं। अमे 6 मित्रों की टीम हाल गीर सोमनाथ जिलो गुजरात थी अहीं दमण खाते उपस्थित थया छे जे एक नानकड़ा फूल जेवा 3 मासना दीकरा माटे के जे गीर सोमनाथ जिलो कोड़ीनार तालुकानुं आलिदर गाम अने आ 3 मासनो बाळक जे विवान अशोक भाई वाढेळ जेमने SMA टाइप 1 एटले के स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी नामनी गंभीर बीमारी छे अने जेना माटे 16 करोड़ रुपयाना इंजेक्शननी जरूर होय जे अर्थे अमे लोको अहींया डोनेशन माटे एकत्रित थया छे। तो आप सौ साथी मित्रों दमणवासी वापीवासी दरेक मित्रों फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी आपी अमने सहभागी थाओ अने एक नानकड़ा बाळक ने आपणे जिंदगी बचावी शके तेवी अमने सहयोगी बनो अमारी साथे। अमारा जिल्लामांथी मोस्ट ऑफली अत्यारे गुजरातनी अंदर घणा जिल्लानी अंदर 6-7 जणा व्यक्तिओ थई अने दरेक जिल्लानी अंदर टीमो अत्यारे कार्यरत छे। वलसाड जिल्लानी अंदर साहेब अमे 4 दिवसथी आवेला छीए बधी मोटी मोटी कंपनीओनी अंदर अमे जाहेरात करेली छे जे ऑनलाइन पेमेंट करे छे साहेब अने अत्यारे अमे एवुं विचार्युं छे के क्राउड फंडिंग करीए छीए तो आप सौ लोगोनो साथ मळे अने थोड़ुं घणुं सहयोग आपो तो वधारे सारुं जेथी करीने एक बाळकनी जिंदगी बचावी शकीए आपणे। अत्यार सुधी तो साहेब अमे अमारा डिस्ट्रिक्टमांथी प्लस के आजूबाजूना डिस्ट्रिक्टमांथी सहयोग साहेब सारो मळ्यो छे 1.74 करोड़ जेवी रकम अमे एकठी करी लीधी छे। दरेक जग्याए साहेब रूपाणी साहेब ने चर्चा थयेली छे प्लस के PM साहेब ने पण लेटर लखेलो छे रक्षामंत्री ने पण लेटर लखेलो छे हेल्थ मिनिस्टर ने पण लेटर लखेलो छे अने रूपाणी साहेबे पण 10 लाख रुपयानी जाहेरात करी छे साहेब। અમે સાહેબ સતત 23 જૂનથી અમે લોકો વળગી પડેલા છીએ આ કામમાં જ્યાં સુધી અમે આ મદદ વિવાનની પૂરી નહીં થઈ ત્યાં સુધી અમે આ કાર્ય ચાલુ જ રાખશું। હજુ 10 દિવસ સુધી રોકાવાનો આગ્રહ છે અમારો।